उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं। जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा के चलते जगह जगह पर हजारों श्रद्धालु अब तक फंसे हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है। बता दें कि अपर सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं, परंतु मौसम की खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत होती है। जैसे ही मौसम साफ होगा रेस्क्यू ऑपरेशन वापस से शुरू किया जाएगा। कितने चॉपर लगे हैं और कितने लोगों को अभी तक निकाला गया है? एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए मानसून काल के लिए एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। एक एंटायर वर्ष के लिए, एक साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो Mi-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया है। सर मौसम खराब, एक्चुअली मौसम जब साफ रहता है तब जो है हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है। जब लगातार बारिश हो रही है या जो है मौसम फॉगी क्लाउडी रहता है, स्पेशली केदारनाथ वैली में तो अक्सर जो है पूरा जो है विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे समय पे जो है फ्लाइंग करना उतना सेफ नहीं है, तो इसलिए जो है उस समय को छोड़ के जब भी जो है हमें फ्लाई करने लायक मौसम दिख जाता है तो फटाफट जो है फ्लाई करते हैं। अभी तक जो है मोर देन 4000 से भी जो है ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू कर दिया गया है।